गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर सिक्स देखेंगे इंग्लिश में। और इससे पहले की वीडियो में आपको एक लास्ट टेस्ट दिया गया था, मैथ का भी दिया जा चुका है और साइंस का भी दिया जा चुका है। और आई होप आपने कर लिया होगा वो कम्प्लीट। और अगर आपने कम्प्लीट कर लिया है तो इसको स्कूल में सबमिट करा दें जितना जल्दी हो सके। आपको टाइम बता दिया गया है कि मंडे टू सैटरडे है ना, बिटवीन 8:30 to 12 o'clock आप आके अपना होमवर्क, अपना क्लास टेस्ट और जो भी डाउट्स हैं आपके वो क्लियर कर सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम है आर नेबरहुड, यानी नेबरहुड मतलब जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होते हैं हमारे पड़ोसी और किस तरीके से हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए या वो हमारी हेल्प करते हैं, किस तरीके से हेल्पफुल है हमारी लाइफ में हमारे नेबर्स, वो सब डिस्कस करेंगे आज चैप्टर नंबर सिक्स में। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे। ठीक है, आई होप सबके पास बुक होगी क्योंकि मैं कई बार आपको वीडियो में बोल चुका हूँ कि बुक नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके बुक को परचेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि तभी आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो हो पाएंगे और जो चैप्टर क्लियर है वो भी हो पाएगा। ठीक है, तो पेज नंबर है आपका 26। ठीक है, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे लाइन टू लाइन। ठीक है, ट्रांसलेशन जब भी समझ में आएगा। तो पेज नंबर है 26, तो स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है कि वी ऑल लिव इन होम्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हम सभी लोग कहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं। सम पीपल ऑल्सो लिव नियर बाय अस और अराउंड अस, कुछ लोग जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास भी कुछ लोग रहते हैं, हमारे कहते तो नहीं बिल्कुल पास में भी कुछ लोग रहते हैं। दे आर कॉल्ड नेबर्स, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, नेबर्स, यानी जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं नेबर्स। द प्लेस अराउंड आर नेबरहुड आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विस, यानी और जो हमारे पड़ोस में जो स्थान होते हैं, जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं नेबरहुड सर्विस। ठीक है, अब नेबरहुड सर्विस क्या होती है वो अब देखेंगे। नेबरहुड यानी एक तो होता है नेबर, यानी जो हमारे पड़ोसी होते हैं, फिर होता है नेबरहुड सर्विस, तो नेबरहुड सर्विस क्या होती है वो देखेंगे। नीचे आपको एक लाइन दे रखी है कि आंसर दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलोनी वेयर यू लिव, आपकी कॉलोनी का नाम यहाँ पर मेंशन करना है जिस कॉलोनी में आप रहते हैं। तो आगे देखते हैं नेबरहुड सर्विस क्या होता है कि बिसाइड हाउस देर आर मेनी अदर प्लेस इन द नेबरहुड, कि घरों के अलावा भी हमारे आसपास काफ़ी सारे प्लेसेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड नेबरहुड सर्विसेज, इनको हम बोलते हैं नेबरहुड सर्विस, यानी जो हमारे आस पड़ोस में घर होते हैं उनके अलावा भी कई सारे प्लेस होते हैं उनको हम बोलते हैं नेबरहुड सर्विस। और जैसे कि लाइक मार्केट हो गया, हॉस्पिटल हो गया और डिस्पेंसरी, स्कूल हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, पार्क एंड बैंक, यानी ये सब चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, मार्केट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल, पुलिस स्टेशन, पार्क एंड बैंक, ये सब हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जिनको हम बोलते हैं नेबरहुड सर्विस। अब इनके क्या क्या रोल है हमारी लाइफ में वो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में, नेक्स्ट पेज 20 पेज नंबर 27 पे। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय थिंग्स लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा, कि मार्केट एक ऐसा स्थान है जहाँ हम खरीदने जाते हैं क्या, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गए, फल हो गए, मिल्क, दूध एक्सेट्रा, यानी जो हमारे ईटेबल चीज़ें होती हैं मार्केट में खाने की या पहनने की, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम मार्केट से परचेज करते हैं। ईच कॉलोनी हैज इट्स ओन फैसिलिटीज एंड सर्विस, मतलब हर कॉलोनी की एक खुद की एक फैसिलिटीज और सर्विस होती है। मोस्ट कॉलोनीज हैव अ स्मॉल मार्केट, अधिकतर कॉलोनी में क्या होता है कि छोटा सा मार्केट होता है जिनकी सेपरेट कॉलोनी होती है उनका। ऑल द पीपल लिविंग हेयर कम टू दिस मार्केट टू बाय ऑल देयर डेली नीड्स लाइक वेजिटेबल, फूड, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, तो उस कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग वहाँ के जो मार्केट है उनका, वहाँ से वो ये चीज़ें परचेज करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड, ये सब परचेज करते हैं वहाँ के लोग। ठीक है, तो मार्केट आपको भी पता होगा मार्केट क्या चीज़ होती है, आप भी कभी अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते होंगे जहाँ से कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं आप, वो आपको पर डिपेंड करता है आप जो खाने की चीज़ें ले रहे हैं या क्लोथ मटेरियल ले रहे हैं जो भी है। ठीक है, तो वो होता है मार्केट। आगे हॉस्पिटल, सम कॉलोनी ऑल्सो हैव देयर ओन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी, कुछ कॉलोनियों का खुद का भी क्या हॉस्पिटल होता है और डिस्पेंसरी भी कह सकते हैं। आ डिस्पेंसरी इज अ प्लेस वेयर अ पेशेंट कैन विजिट अ डॉक्टर, यानी डिस्पेंसरी क्या होता है, डिस्पेंसरी का वो स्थान है जहाँ पर पेशेंट जाकर डॉक्टर को दिखा सकता है। एंड हॉस्पिटल आर लोकेटेड इन बिगर कॉलोनी, जबकि क्या है हॉस्पिटल होता है जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में प्लेस होते हैं, डिस्पेंसरी जो ज़्यादा बड़ी कॉलोनी नहीं होती, छोटी कॉलोनी होती है। ठीक है, डिस्पेंसरी इतना बड़ा लेवल पर नहीं होती है कंपेयर टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ज़्यादा
बड़ा होता है कंपेयर टू डिस्पेंसरी, तो जहाँ पर लोग कम है तो वहाँ डिस्पेंसरी हेल्पफुल रहती है। डिस्पेंसरी में वो लोग जाते हैं जहाँ पर लोग कॉलोनी आपकी स्मॉल है, और जहाँ पर कॉलोनी बड़ी है फिर वहाँ पर क्या होता है हॉस्पिटल होता है, जहाँ पर जो भी पेशेंट बीमार होते हैं या जिनको कोई तकलीफ होती है फिजिकली या कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में जाके विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल। स्कूल इज अ प्लेस वेयर वी गो टू लर्न एंड राइट। स्कूल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम पढ़ते हैं सीखते हैं, ठीक है। तो स्कूल के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप भी स्कूल में ही हैं, अभी स्कूलिंग चल रही है आपकी, तो आपको पता है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल में किस लिए जाते हैं, क्या वर्क होता है स्कूल में, ये सब। चिल्ड्रन कैन गो टू बिगर स्कूल एंड कॉलेज वंस दे ग्रो अप। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो बड़े स्कूलों में और फिर कॉलेजों में जाना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ऑफिस। एवरी कॉलोनी हैज अ पोस्ट ऑफिस फ्रॉम वेयर यू कैन सेंड लेटर्स टू डिफरेंट प्लेस। और हर कॉलोनी में क्या होता है पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं लेटर्स को दूसरे स्थानों पर भेज सकते हैं, ठीक है। पहले टाइम पर होता था, अभी भी होता है, लेकिन आजकल तो क्या है कि पोस्ट ऑफिस का काम सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स पहुँचाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए होता है। आजकल पोस्ट ऑफिस का जो काम है वो पहले की तरह नहीं रह गया। पहले क्योंकि इतना कह सकते ना कि कम्युनिकेशन के लिए साधन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, ये सब नहीं थे। आजकल तो क्या है कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, आप ईमेल है, ठीक है, ये सब मतलब फटाफट काम हो जाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस में जो टाइम लगता है वो टाइम आपका बच जाता है अगर आप यूज़ करते हैं ईमेल और ये सब। तो काफ़ी सारी आजकल फैसिलिटीज़ हैं इसलिए पोस्ट ऑफिस में इतना ज़्यादा काम रह नहीं गया है। तो पोस्ट ऑफिस का बेसिकली काम क्या होता है कि आपको लेटर लिखते हैं फिर आपको कहीं दूसरे स्थान पर भेजना है, एक शहर से दूसरे शहर में भेजना है, तो वो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। स्टाम्प इनवेलप पोस्ट कार्ड एंड इनलेट लेटर्स आर अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, स्टाम्प हो गया, इनवेलप्स हो गए, पोस्ट कार्ड हो गए, ये सब आपको पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल हो जाएंगी। नाउ डे सर्विस फॉर पार्सल एंड पैकेज इज ऑल्सो अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। आजकल पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपको कोई पार्सल भेजना है, ठीक है, कोई पार्सल है और कोई पैकेज है जो आपको अपने किसी फ्रेंड के यहाँ या अपने रिलेटिव के यहाँ कहीं भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको ईजिली सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। आ गया पुलिस स्टेशन। कि देर इज अ पुलिस स्टेशन इन एवरी नेबरहुड। की हर जहाँ पर आप रहते हो वहाँ के आसपास में आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिल जाएगा। द पुलिस केयर द थीव्स एंड हेल्प अस इन नीड। कि पुलिस का क्या काम होता है कि जो आप कॉलोनी में जैसे कोई भी वारदात होती है, कोई भी घटना होती है, तो उसमें जो चोर होते हैं उनको पकड़ कर आपकी मदद करती है पुलिस। आ गया पार्क। मोस्ट कॉलोनीज हैव पार्क नियर बाय। कि आपकी कॉलोनी में मोस्टली में क्या आसपास आपको पार्क देखने को मिल जाएगा। चिल्ड्रन गो एंड प्ले इन द पार्क। जो चिल्ड्रंस जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं पार्क में जाते हैं, फिर वहाँ जाकर इवनिंग में किसी भी टाइम जाकर वो खेलते हैं। देर इज ऑल्सो वॉकिंग पार्क फॉर पीपल हु लव वॉकिंग। यानी उस पार्क में क्या होता है एक वॉकिंग एरिया भी होता है यानी जहाँ पर आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिन लोगों को वॉकिंग पसंद होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाके वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे शाम को अगर आपने डिनर करने के बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप जल्दी उठ के वॉकिंग कर सकते हैं, तो वॉकिंग एरिया भी होता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 28 पर। नेक्स्ट आपकी नेबरहुड सर्विस है वो है बैंक। अब बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आर मनी एंड अदर वैल्यूएबल थिंग्स। कि बैंक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अपने पैसे को और दूसरी चीज़ों को सेफली रख सकते हैं। वी कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक बाय चेक ऑल्सो। कि हम बैंक से अपनी जो पैसा हमने जमा करा रखा है वो बैंक से हम निकाल सकते हैं फ्रॉम बैंक बाय चेक ऑल्सो। चेक के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। तो जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बैंक में कभी जाएंगे तो आपको इसका पूरे प्रोसीजर पता लगेगा। जैसे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं और वो आपको निकालने हैं, तो आजकल क्या है कि मतलब चेक में आप उतना अमाउंट भर के आपके साइन करके वो आप बैंक में जमा करा देंगे तो वहाँ से वो आप अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कह सकते हैं ना टर्म्स हैं आपके पास, काफ़ी सारे कह सकते ना फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, ये सब चीज़ें जिसमें आप पैसे को ईजिली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। ठीक है, तो ये है बैंक। आगे देखते हैं क्लीन नेबरहुड। इट इज़ नेसेसरी टू लिव इन अ क्लीन सराउंडिंग। कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास जो आपके जहाँ पर आप रहते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। डर्टी सराउंडिंग कैन मेक अस सिक। जो अगर गंदा वातावरण है आपके आसपास वो आपको बीमार कर सकता है। सो वी शुड कीप सराउंडिंग क्लीन। इसलिए हमें अपने आसपास का वातावरण को साफ रखना चाहिए। डर्टी प्लेसेस अट्रैक्ट जर्म्स एंड फ्यूज डिजीज लाइक कोलेरा टाइफाइड एक्सेट्रा। यानी अगर आपके आसपास का वातावरण गंदा होगा तो उससे क्या पैदा होती है जर्म्स, गंदगी पैदा होती है, कीटाणु पैदा होते हैं, जिससे आपके
अंदर बीमारियां पैदा हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं कोलेरा और टाइफाइड जैसी बीमारियां बन सकती है। तो इसलिए इसका सबसे मेन मतलब क्या है कि इसका, कि आपको आपके आसपास वातावरण, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपका घर और आपके घर के बाहर जो वातावरण है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आगे नेक्स्ट पेज 29 पर, एयर इज ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड बाय स्मोक गिवन आउट बाय व्हीकल्स एंड फैक्ट्री। कि आप जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, वो आजकल क्या है, जो व्हीकल्स होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उससे निकलने वाला जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूट होती है। ब्रीथिंग पॉल्यूटेड एयर कॉजेस अस्थमा, और अगर ऐसा एयर पॉल्यूटेड होती रहेगी तो जिससे क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होती है ह्यूमन बींग्स को, और फिर उससे क्या अस्थमा बन सकता है। सो वी मस्ट ट्राई टू कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन इन मेनी वे सच एज। तो इसलिए हमें क्या कोशिश करते रहना चाहिए कि जो हम एयर ले रहे हैं वो फ्रेश होनी चाहिए, और इसके लिए हमें कई सारे तरीके हैं वो करने चाहिए ताकि हमको फ्रेश एयर मिल सके। अब क्या क्या वेज है वो देखिए कि प्लांट मोर ट्रीज, पहला तरीका है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। नेवर थ्रो गार्बेज इन द ओपन एरिया, कि आपके जो कचरा होता है वो आपको ऐसे ओपन एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। नॉट बर्न गार्बेज, गार्बेज को कभी जलाना नहीं चाहिए। नेवर स्पिट इन द ओपन, कभी भी आपको ओपन में खुले में थूकना नहीं चाहिए। अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, आपको प्लास्टिक बैग का यूज भी अवॉइड करना चाहिए, यानी जितना हो सके आप प्लास्टिक बैग्स को यूज करना बंद करें, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिससे आप अपनी एयर्स को कह सकते हैं फ्रेश रख सकते हैं, और इन अस्थमा जिसी बीमारी से आप बच सकते हैं। जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है कि अवॉइड यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग्स को यूज करना बिल्कुल बंद कर दें, और आपके आसपास का जो एरिया है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं एयर फ्रेश एयर के लिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पाएंगे लर्निंग पॉइंट है, इसमें क्या क्या लर्निंग पॉइंट है कि ऑल द पीपल लिविंग इन हाउस नेक्स्ट टू आर नेबर्स, यानी जो हमारे आसपास लोग रहते हैं घरों में उनको हम नेबर्स बोलते हैं। सेकेंड, आर नंबर ऑफ हाउस बिल्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड ए कॉलोनी, यानी कॉलोनी क्या होती है कि जहाँ पर काफ़ी सारे हाउस एक साथ मिलकर बने हों उसको हम बोलते हैं कॉलोनी। एवरी कॉलोनी हैज सम सर्विसेज और फैसिलिटी, हर कॉलोनी की एक सर्विस और कुछ फैसिलिटीज होती हैं। वी मस्ट कीप आर नेबरहुड क्लीन, हमें अपने आसपास का वातावरण और क्या रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। एयर दैट इज नॉट क्लीन इज सेड टू बी पॉल्यूटेड, यानी अगर जो एयर आप लेते हैं अगर वो साफ नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो वो मतलब क्या है, पॉल्यूटेड एयर है। पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक, यानी अगर आप दूषित हवा लेंगे यानी कैसे पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो वो क्या कर सकती है, आपको बीमार कर सकती है। ये थे आपके लर्निंग पॉइंट, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक था, और ये चैप्टर छोटा सा था और कंप्लीट हो चुका है। अब इसके जो बुक वर्क हैं ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है, ये आप कोशिश करेंगे घर पे करने की, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर था, और ये उसके क्वेश्चन आंसर है बुक वर्क बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे घर पे करने की, अगर वैसे जहाँ तक 100% ये है कि आपको ईजिली मिल जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे पीछे चैप्टर पढ़ा है आपने तो, अगर आप ढूंढेंगे तो ईजिली मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सारा कुछ आपके बुक से ही है। इसलिए एक बार आप कोशिश करेंगे आपका ए बी सी एंड डी तक ये चार क्वेश्चन करने के बुक वर्क, उसके बाद अगर नहीं होते हैं तो फिर मैं जो कल कराऊंगा जब नेक्स्ट वीडियो में, तो आप वहाँ से मैच करके कर सकते हैं, जो सही है वो सही रखना, और जो अगर गलत होगा आपका तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक होमवर्क, ये एक तरीके से ये चार क्वेश्चन आपको ए टू डी बुक में ही करने हैं, फिल करने हैं। जैसा पहले में टिक द करेक्ट आंसर है, सेकेंड में मैच करना है, थर्ड में आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं, एंड फोर्थ में आपको वन और टू वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। तो ये आप खुद करेंगे कल, ठीक है, और कल जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे जब मैं इसको कराऊंगा तो आप उसको मैच करके करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।